अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी अहम बैठक हुई। करीब एक साल के बाद ये बैठक आमने सामने हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना संकट और बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है, यानी महंगाई भत्ते में कुल 11% की बम्पर बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की 3 किश्तें आनी अभी बाकी थी। कोरोना संकट के दौरान सरकार की ओर से महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। अब महंगाई भत्ते बढ़ने के बाद सितंबर से बम्पर सैलरी आने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार की ओर से 1 जनवरी 2020 से डीए को भी रोक दिया गया था। वहीं बाद में इसे 1 जुलाई 2021 तक रोका गया, लेकिन अब जब डीए को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में फैसला हुआ है, तब सितंबर से कर्मचारियों को इसका लाभ फिर से मिल सकता है। तो वहीं इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए भी हमारे साथ जुड़े हैं बीएल मीणा, जो कस्टम ऑफिस एसोसिएशन के अधिकारी हैं। उनसे बात करते हैं। बीएल मीणा जी, यहाँ पर सौगात दी है, डीए बढ़ाया गया है केंद्रीय कर्मचारियों का, कोरोना संकट के बाद एक बार फिर जनता को लुभाने की कोशिश है। हेलो जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं? आवाज़ मैडम कम आ रही आपकी। जी, मैं सवाल को दोबारा बताती हूँ सर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि डीए वापस बढ़ाया जाएगा, यानी सितंबर से बम्पर सैलरी की उम्मीद जताई जा रही है, क्या कहना है? मैडम, ये कोई बम्पर नहीं है, ये केवल आप लोग ज्यादा समझ सकते हैं कि पिछले 18 महीने से जो कर्मचारी हैं बिना 17% पे अटके हुए थे, महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा था, तो हमें तो ये होना चाहिए था। आप खुशखबरी सुना रहे हैं इसलिए धन्यवाद, लेकिन हम चाहेंगे कि कर्मचारियों पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये जो बकाया एरियर है हमारा 11%, ये 18 महीने का भी हमें मिलना चाहिए। हेलो, सरकार ने पहले भी 2 बार डीए को रोका था और इसके बाद अब 3री बार डीए को लेकर फैसला हुआ है, तो माना यही जा रहा है कि कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा कोरोना काल के बाद। मैडम, ये तो सरकारी बना रखा है, सिस्टम बना रखा है, हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, लेकिन पिछले 18 महीने में महंगाई इतनी भयंकर बढ़ गई है, कोरोना काल में इतना हम लोगों ने इतना काम किया है, उसके बावजूद भी यदि हमारा एरियर मिलेगा तब जाके हमें राहत मिलेगी। इसका जो एरियर मिलेगा तब जाके हमारे साथ न्याय होगा और राहत मिलेगी। जी, तो आपके मुताबिक ये जनता को लुभाने की भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि आने वाले नहीं, इससे कोई लुभने वाला फर्क नहीं पड़ेगा मैडम जी। और इसी के साथ में सरकार को ये भी घोषणा करना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट वेतन आयोग था उसके मुताबिक जो डीए है वो 25% बनते ही मकान किराया भत्ता भी बढ़ना चाहिए और हमारे जो यातायात का भत्ता है वो भी बढ़ना चाहिए जी। तो सरकार को ये भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट वेतन आयोग में ये भी साफ लिखा हुआ था कि जो ही आपकी महंगाई भत्ता 25% के आंकड़े को छुएगा तो ये भी आपके भत्ते बढ़ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने ये भी कोई निर्णय लिया है, नहीं लिया तक जी। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, तमाम बात के लिए। तो मोदी सरकार की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी अहम बैठक हुई है और इसमें फैसला लिया गया है कि महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है।